हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी फास्ट ए टू जेड टेक्नोलॉजी में। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात और ख़ास करके 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी। वैसे स्टूडेंट जिसको लगता है कि हम मुझे एक पेपर में नंबर कम आया है या मैं इस पेपर में फेल हूँ, मैं फिर से कॉपी रीचेक करना चाहता हूँ, स्क्रूटनी करना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए नया अपडेट है। सो गाइस, मैं आप उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी फास्ट ए टू जेड टेक्नोलॉजी में। सो गाइस, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपके अपना चैनल का सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं हर नया अपडेट आपको देता रहूँ। चलिए, मैं बिना देर किए मैं आपको बताऊँगा क्या है अपडेट। न्यूनतम अपडेट यह है कि बिहार बोर्ड 11 अप्रैल और मेट्रिक स्क्रूटनी के ऑनलाइन फॉर्म की जारी करना है। इसका क्या पैसा, कितना रुपया लग सकता है, कितना फी है, ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, आवेदन की शुल्क क्या है? तो इसका आवेदन का शुल्क 70 रुपये, मात्र 70 रुपये है। और स्क्रूटनी का स्टार्ट डेट 11 अप्रैल से स्टार्ट है और 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिस भी आया हुआ है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पटना मेट्रिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित है। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो वो अपने उस विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी हेतु वेबसाइट, ये सरकारी वेबसाइट है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ये हुआ, पर दिनांक 11/4 से यानी कल से 17/4/2021 तक अवधि निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ टोटल अपडेट है। आर्टिकल कैटेगरी स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई 11 अप्रैल 17 आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और बिहार बोर्ड क्लास 10 कॉपी चेक जो है 3rd वीक तक में आपको कॉपी चेक हो जाएगा। और इसका अब स्टेटस अवेलेबल सून बता रहा है। एग्ज़ाम 5 अप्रैल से, बिहार बोर्ड रिजल्ट डेट 5 अप्रैल को आया था। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है। देखिए, सो गाइस, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस में वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट हुआ इसका, बिहार बोर्ड ऑनलाइन government.in। और मैं आपको बताऊंगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है। कॉपी रीचेक करने का मात्र 70 रुपये लगते हैं। कितना रुपये? 70 रुपये। तो मैं बिना देर किए आपको ये बता दूं कि किस तरह से कॉपी रीचेक करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई बिहार मैट्रिक को कॉपी रीचेकिंग फॉर्म ऑनलाइन। देखिए, विजिट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑन होम पेज खुलेगा। न्यूज सेक्शन क्लिक ऑन स्क्रूटनी फॉर्म लिंक पर क्लिक करना है और यू विल बी रीडायरेक्टेड ऑन द अनदर पेज। उसके बाद दूसरा पेज आपका खुलेगा और नो फिर आप फिल करना है। आपको जो मांगेगा डिटेल वो आपको डिटेल फिल करके ऑन पेमेंट कर देना। उसके बाद फाइनली सबमिट करना है बटन टैग एंड प्रिंट और फर्दर यूज। उसके बाद आपको फाइनली से जो है जो आप फॉर्म फिलअप फाइनली सबमिट हो जाएगा, उसका आप जो रिप्रिंट करके रख सकते हैं। देखते हैं अवेलेबल सून बता रहा है इसका ये स्टूडेंट। आई होप मुझे आप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। थैंक यू सो मच।